पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन शेक। इसमें आपको मिलेगा लगभग 25 ग्राम प्रोटीन। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करें। प्रोटीन शेक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच बादाम। ये 12 से 14 बादाम हैं। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। यह शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करता है। मूंगफली ली है 1 बड़ा चम्मच। ये 22 से 25 मूंगफली हैं। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है। काजू लिए हैं 1 बड़ा चम्मच। ये 8 से 10 काजू हैं। 100 ग्राम काजू में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। काजू खाने से मूड भी अच्छा रहता है। पिस्ता लिया है 1 बड़ा चम्मच। ये 20 से 22 पिस्ता हैं। 100 ग्राम पिस्ता में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। ये खरबूजे के बीज लिए हैं 1 छोटा चम्मच। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम खरबूजे के बीज में लगभग 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कद्दू के बीज लिए हैं 1 छोटा चम्मच। 100 ग्राम कद्दू के बीज में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सूरजमुखी के बीज लिए हैं 1 छोटा चम्मच। 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इन सब को हम पानी में भिगो देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। यदि आपको प्रोटीन शेक सुबह ही पीना है तो आप इसे पूरी रात भी भिगो कर रख सकते हैं। यदि आपको शाम को पीना है तो आप इसे सुबह भी भिगो सकते हैं। भीगने से ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी फूल जाते हैं और इनका छिलका बहुत आसानी से अलग हो जाता है। हमारे ड्राई फ्रूट्स भीग चुके हैं और लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। ये फूल चुके हैं अच्छी तरह से और इसे हल्का सा दबाने से ही इसके बीज बहुत आराम से निकल रहे हैं। बादाम, पिस्ता, मूंगफली सभी के छिलक अलग कर लेंगे। मैंने एक प्रोटीन पाउडर का वीडियो बनाया था जो आप सभी को बहुत पसंद आया था। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि गर्मियों में किस तरह यूज करें, ये बहुत गर्म होता है, और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ के कमेंट्स भी थे कि ये बहुत गर्म है। तो इसीलिए मैंने ये प्रोटीन शेक का वीडियो बनाया है। इसमें ड्राई फ्रूट को भिगोने से ड्राई फ्रूट की तासीर ठंडी हो गई है, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इसे गर्मियों में लें या प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ले सकती हैं और इसे हर कोई पी सकता है। मैंने सभी ड्राई फ्रूट के छिलके अलग कर लिए हैं और इसे एक बार धो लिया है। अब शेक बनाना शुरू करते हैं। प्रोटीन शेक बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है। इसमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना। 100 ग्राम चना में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें आयरन और फोलेट भी अच्छी मात्रा में होता है। अब मैं डाल रही हूँ 2 पके हुए केले। केले और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो वजन भी बढ़ाता है और मसल्स भी बनाता है। वैसे तो इसमें मीठा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये शेक इसी तरह से बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन यदि आप मीठा शेक पसंद करते हैं तो इसमें शुगर की जगह गुड़ डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में आपको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन। मैंने इसमें अभी 1/2 गिलास दूध डाला है। 1/2 गिलास दूध में बाद में मिलाऊंगे। यदि हम इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पीसेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से पीसते हैं और हमारा शेक बहुत स्मूथ बनेगा। शेक के अंदर केला और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पीस चुके हैं। अब इसमें डालेंगे बचा हुआ 1/2 गिलास दूध। दूध आप अपनी इच्छा के अनुसार फुल क्रीम या टोंड या गाय का दूध, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। और ये हमारा प्रोटीन शेक बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही क्रीमी बनता है ये शेक। इस तरह से प्रोटीन शेक बनाने का एक फायदा और है कि ये शेक बहुत जल्दी पच जाता है। यदि हम ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर यूज करते हैं तो ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी पचते हैं। अब हम इसकी गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम, खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज से। और ये लीजिए, हमारा हेल्दी प्रोटीन शेक बनकर तैयार है। यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसे दिन में 2 बार लें। यदि आप मसल बनाना चाहते हैं और जिम जाते हैं तो आप जिम जाने से 2 घंटे पहले भी ले सकते हैं और जिम के बाद भी इसे ले सकते हैं।
इस प्रोटीन शेक में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यदि आप इसे दो बार लेते हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन प्रोटीन शेक से मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है बारिश के सीजन में प्रोटीन पाउडर में नमी आ जाती है, वो अच्छी तरह से स्टोर नहीं हो पाता या फिर फंगस लग जाती है, खराब हो जाता है। तो यदि इस तरह से प्रोटीन शेक बनाएंगे तो ये रोज ताजा ही बनेगा, इसमें खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। आपका प्रोटीन शेक कैसा बना और आपको कैसा लगा, आपको इससे कितना फायदा हुआ, हमें जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।